क्या अदिति, क्या सस्ते चप्पल देख रही हो? कुछ अच्छी क्वालिटी की देखो ना। अभी हम लोग सिंपल वाली चप्पल ले लेते हैं, वो रास्ते में आते आते चप्पल टूट गए। कोई नॉर्मल डेली वेयर देखते हैं। नॉर्मल क्यों, कुछ अच्छी महंगी से लेते ना, कुछ पार्टी वेयर। नहीं नहीं राजेश, घर पर अगर किसी ने महंगी चप्पल देख ली तो हंगामा हो जाएगा। और आभा दाई, उसको तो तुम जानते हो ना, कितना शक करती है। तुम रहने दो भैया, आप कोई नॉर्मल डेली वेयर दिखाना। नहीं भैया, कोई पार्टी वेयर ही दिखाओ। भैया डेली वेयर दिखाओ, तुम चुप बैठो। भैया ये अदिति और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? नमस्ते भैया। खुश राजेश, तुम ये छोटी मोटी दुकान में क्या कर? और भी कई सारे शोरूम्स हैं, वहां क्यों नहीं गए? डैडी ने पॉकेट मनी नहीं दी। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। सुनिए, इनको जो भी पसंद है पैक कर दीजिए, पैसे मैं दूँगा। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं पे कर दूंगा। वैसे एक बात बताओ, ये सब कुछ डैडी को तो पता है ना? अरे तुम तो जानते हो कि अगर उन्हें पता चला तो कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। भैया डैडी नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो हमारी हेल्प करेंगे ना, प्लीज। ये लीजिए आपके चप्पल। कौन से? नहीं भैया, मैं दे देता हूँ, ये लीजिए। भैया वो अब डैड को मत बोलिएगा, सही वक्त आने पर हम बता देंगे। ओके, एज यू विश। तो मैं चलता हूँ, शाम को आपसे मिलता हूँ। अग्नि, तुझे पता है स्टार प्लस की एक नई सुविधा है, स्टार प्लस ऑन मोबाइल। 5057827 पर डायल करके आप अपने फेवरेट शो से जुड़े एक कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं कैश प्राइजेस या फिर बम्पर प्राइजेस भी। पता है बम्पर प्राइजेस क्या है? अपने स्टार प्लस के फेवरेट एक्टर से मुलाकात। अगर ये कॉन्टेस्ट मैं जीत गई ना, तो मैं तो नैतिक से मिलूंगी, मुझे वो बहुत पसंद है। और तुझे पता है इसके लिए ना किसी हाई फाई फोन की जरूरत नहीं है, बस कोई भी नॉर्मल फोन भी चलेगा। ठीक है, अब तेरे पास साई का नंबर है ना? हाँ। तू उसे भी फोन करके बता दे, वो भी स्टार प्लस बहुत शौक से देखती है। अरे वाह, ठीक है। हेलो। हाँ गुप्ता जी बोलिए। वो आपकी वाउचर्स डिस्पैच कर दिए, आपको कल तक मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे आपका वो टेंडर नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ओके थैंक यू। हेलो। हाँ अवनी आई। हाँ बोल, तूने इस वक्त फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ सब कुशल मंगल है, बस तुझसे मिलने का दिल कर रहा था। तो तू आप आएगी शाम को? जरूर आऊंगी आई, तू बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तेरी आवाज से लग रहा है कि तू परेशान है।
क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बस जल्दी आ जा, मैं नहीं चाहती तुझे अपने ससुराल पहुंचने में देर हो जाए। अच्छा आई, मैं ऑफिस का काम खत्म करके आती हूँ। पर क्या बात है, तू कुछ छुपा रही है क्या? नहीं अवनी, सच, तू बस यहाँ आ जा, मैं बताती हूँ तुझे। अच्छा ठीक है, बाय। कुछ तो बात जरूर है, पर क्या बात हो सकती है? मुझे फटाफट काम निपटा कर आई के पास जाना होगा। तुम्हारे भैया कितने अच्छे हैं ना, पर तुम उनसे घबरा कर ऐसे भाग क्यों रहे थे? मेरी भी ढंग से बात नहीं होने दी। तुम्हें क्या पता वो मेरा भाई नहीं, मेरे बॉस का बेटा है। पता नहीं अब शाम को मेरी क्या हालत करेगा। हेलो, क्या सोच रहे हो? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं आई को क्या बोलूंगी, ये चप्पल मैंने कहाँ से ली? कुछ भी बोल देना, तुम्हारे पास तो 100-100 बहाने होते हैं। अब चले। अवनी, तू इतनी जल्दी आ गई, मुझे लग रहा था कि तू काम खत्म करके शाम को आएगी। नहीं आई, वो काम निपटा कर आई हूँ। क्या बात है, मायूस क्यों लग रही? बैठ बैठ। तू क्या हुआ, सब ठीक है ना? सब ठीक है आई, तू बता तूने क्यों बुलाया मुझे? देख अवनी, आई हूँ मैं तेरी, मेरा तुझसे सिर्फ खून का नहीं दिल का भी रिश्ता है। तू नहीं बताएगी ना तो भी मैं जान सकती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। देख मैं समझ सकती हूँ कि तुझे अपने ससुराल वालों के साथ रहना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तू इसका असर तेरे और भास्कर के रिश्ते पर नहीं आने देगी। तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे भास्कर को लगे कि तू उससे पति होने का हक छीन रही है। भास्कर आए थे यहाँ, वो कह रहे थे कि आपसे कुछ छुपा रही है, आप सब जानती हैं। जिस तरह से अवनी ने बचपन में ही इस घर की जिम्मेदारी उठा ली थी, उसी तरह से मेरे कंधों पर भी मेरे घर की जिम्मेदारी है। पापा के रिटायरमेंट होने के बाद से ही मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया था। अब पापा की पेंशन से घर कहाँ चलता, इसलिए रात दिन मेहनत करी और अपने घर वालों की खुशियों के लिए काम में जुट गया। और इस दौरान पता ही नहीं चला कि कब कहाँ मेरी पढ़ाई छूट गई। उस वक्त घर की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे बीकॉम क्लियर करना। दूसरी बार एग्जाम देने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन उस वक्त अंजू ताई की शादी नज़दीक आ गई। इसी कश्मकश में काम करते करते मैं यहाँ तक आ गया। यही एक बहुत बड़ा बोझ था मेरे दिल पर, ये बात मैंने आपसे और अपनी से छुपा कर रखी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि ये बात मैं अपनी से जाकर कहूँ, आप समझ रही है ना, मैं अपनी को खोना नहीं चाहता है। चलता हूँ भाई, मेरी खुशियां बाप आपके हाथ। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक ही तो है, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? तेरी आंखें पढ़ सकती हूँ मैं। देख तू नहीं बताना चाहती तो मत बता, लेकिन एक बात याद रखना, जब पत्नी अपने पति से उसका हक छीन लेती है या उसे वंचित रखती है, तो तू पति कितना भी प्यार करता हो लेकिन वो मुंह मोड़ लेता है, और इसमें गलती लड़के की या लड़के के घर वालों की नहीं मानी जाती, गलती तो लड़के की मानी जाती है, समझ रही है ना तू? देख तेरे सामने मेरा उदाहरण है, तू जानती है ना तेरे बाबा के बिना तुम बच्चों को किस परेशानियों में बड़ा किया है मैंने, समाज का सामना किया है मैंने, एक
एक औरत का अपने पति के बिना समाज में जीना बहुत मुश्किल है। तू इतनी तो समझदार है, तुझे पता है ना कि तेरे बाबा के बिना कैसे दिन बिताए हैं मैंने। ना तो उनका प्यार मिला, ना ही उनका सहारा। देख अवनी, मैं नहीं चाहती कि ये ऐसा तेरे साथ हो। मैं बाबा से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि तेरी झोली वो हमेशा खुशियों से भर दे। मैं जानती हूँ अवनी, तू सब संभाल लेगी। औरत के प्यार में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती है। देख, अगर भास्कर की कभी कोई गलती हो भी जाए तो तू उसे समझाना कि क्या गलत है क्या सही है। देख, भास्कर बहुत अच्छा लड़का है, उससे अच्छा तुझे कोई नहीं समझ सकता। समझी? हाँ, मैं समझ गई। और तू चिंता मत कर, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। वैनी, वो मैंने जिम के बारे में पता कर लिया है, तो आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मैं फॉर्म भर दूंगी। लाओ दिखाओ मुझे फॉर्म। नीता, ये तो यूनिसेक्स जिम है, ये वही जिम है ना जहाँ रमेश जाता है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जाना है तुम्हें उस जिम में। वैनी, आप जरा समझ रही है, वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, रमेश की वजह से मुझे वहाँ डिस्काउंट भी मिल रहा है, और वो वहाँ पे ट्रेनर है ना, तो मेरी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। नीता, इस जिम के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। वहीं लेकिन मैंने कहा ना, उस जिम में रमेश भी जाता है, और उसके लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। साफ साफ मना कर दो ना, अगर पैसे नहीं देने तो बस मुँह पे मीठा बनना आता है। हाँ हाँ, अपने भाई बहनों से पैसा बचेगा तभी ना देगी ये। इस घर के लोगों के लिए इसके पास पैसे नहीं है। मेरी बेटी ने मांगे है ना पैसे, इसकी बहन ने नहीं। भाई ऐसी बात नहीं है, नीता भी मेरी बहन जैसी है, और बात पैसे देने की नहीं है। आप पूछिए इसे क्यों चाहिए इसे पैसे। मैं बताती हूँ आई, इसे वो रमेश जहाँ जाता है वो वाले जिम को ज्वाइन करना है। आप ही बताइए कि मैं इसकी वहनी होने के नाते इसे गलत रास्ते पर कैसे जाने दे सकती हूँ। रही बात पैसों की, तो कल आकर मैं आपको दे दूंगी। अरे भाड़ में जाए तू और तेरे पैसे। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर उंगली उठाने की, उसे चरित्रहीन कहने की। अरे यार, ये क्या चिल्लम चिल्ली मचा रखी है आप लोगों ने यार। अरे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, बीकॉम क्लियर करना है मुझे। अगर नहीं करूंगा तो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मैं। अरे मुंह दिखाने के लायक तो इसने नहीं रखा है हमको, अपने मायके वालों के लिए तो हमारा खून बेचकर पैसा जोड़ने के लिए तैयार है ये। पर नीता ने पैसे मांग लिए तो उसे चरित्रहीन बना दिया और मना कर दिया। मैंने पैसे देने से मना नहीं किया, मैं बस ये कह रही थी कि अरे जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे किसी को, रख अपने पास। आई, भगवान के लिए कभी मेरी सैलरी, तनख्वाह, ओवरटाइम, पैसों को हटाकर मुझे एक इंसान की नजर से देखिए। क्या सिर्फ पैसे देने पर ही मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक होगा? और मैं तो उसकी भलाई की बात कर रही हूँ, और आप लोग हर बात में मुझे बुरा बना देते हैं। नो, अब ये देखो, हम इसे बुरा बना रहे हैं हम। सुनो, वाह 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 वाह, अल्लाह क्या कर रहे, बोले तो एकदम जक्कास। मैं कहा आंख बंद करके भी ऐसे इधर आएगा ना तो भी ठापुक ठुपुक की तरह ठोकर नहीं खाएंगे हमें। बोलो मैं कहा, इतना जोर जोर से तुम लोग बोलते हैं गली के नाके तक तो आवाज सुनाई देता है, और थोड़ा जोर से बोलता तो मेरे घर तक सुनाई देता। अभी मैं जो बोलता है वो सुनने का है क्या? हाँ, वो क्या है, मैं तो एकदम इनविटेशन देने के लिए आया इधर।
अरे अवनी तू कहीं को ऐसा मुंह फुला के बैठे है, हंसने का तेरे को इनविटेशन देने को आया है, संडे को तेरे को और भास्कर दोनों को ऐसा खाना खाने को आने का मेरे घर पे क्या? उसमें बोलना क्या है, ले जाओ। यहाँ कौन सा 56 भोग मेरे लिए बना रही है ये? भौजी, रियली सॉरी, पर हम लोग इस संडे को नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस में बॉस ने मुझे और भास्कर को लंच के लिए बुलाया है। अरे राहुल, तेरा सासू मां चलेगा रे बाबा? अवनी, तेरा बॉस जो है तो बड़ा आदमी है ना बाबा, बहुत अमीर आदमी है, अरे हम से क्या है, गरीब मानुस है ना, बॉस के वहाँ पे जाना तो ज्यादा जरूरी है। भी मैं क्या ऐसा हाथ जोड़ के विनती कर सकता है कि भाई वहाँ पे तो बॉस के वहाँ पे पूरन पोली वगैरह सब अच्छा अच्छा आइटम खाने को मिलेगा। अभी मेरा औकात नहीं है, मैं क्या है वो तड़का वाला दाल खिला सकता है, लेकिन टेस्टी खिलाएगा उतना बोलते हैं मैं तेरे को, आएगा तो अच्छा लगेगा। बाकी का जबरदस्ती थोड़ी ना किसी के मुंह में ऐसा नहीं कर सकता ना बाबा। नहीं भौजी, वो अवनी, इन्हें मना करने से पहले ये जान लेना कि तुम किसे मना कर रही हो। वो भौजी हमारे। भास्कर, मैंने सर को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है तो। अरे ऐसा फोन उठाने का, डायल करने का, सामने से बॉस बोलेगा हेलो, इधर से तुमको बोलने का हेलो, और बाद में बोल देने का बॉस मैं आ नहीं सकती है। ओके, सिंपल। संडे को बुलाए खाना खाने के लिए बॉस ने ना, आज तुम मना कर देगा थोड़ी ना, खाना बना के रखा होगा बॉस ने, ये खाना बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और वाट लग जाएगी, है क्या? खाना खराब हो ना हो, पर इनका मन खराब हो रहा होगा ना तुम्हारे यहाँ आने के लिए। ससुराल वाले हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, पर इनकी दुनिया इनके मायके वाले या तो इनका ऑफिस का बॉस, हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना इनके लिए। भौजी हमारे, अवनी, ये हमारा परिवार है, परिवार सबसे पहले आता है, और इन सब की खुशियों के लिए ना, ना कोई बॉस मायने रखता है और ना ही कोई और इंसान, समझ गए ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।